थॉमस अल्वा एडिसन। लगता है बिजली कट गई है। जहां हो वहीं खड़े रहो, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो सब बिखर जाएगा। भगवान का शुक्र है बिजली आ गई। बिजली के बिना तो एक मिनट बिताना हमें मुश्किल होता है। हमारे पूर्वज बिजली के बिना कैसे रहते होंगे? सर, हम जानते हैं कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। क्या आप उनके बारे में और कुछ बताएंगे? ठीक है, सभी मेरे पास आ जाओ। एडिसन का पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। उनका जन्म फरवरी 1847 में अमेरिका में हुआ। अपनी उम्र के 7 साल तक वो एक आम बच्चे की तरह थे। 9 साल की उम्र में उन्हें विज्ञान की किताबों में रुचि उत्पन्न हुई। 10 साल की उम्र में अपनी मां की सहमति से उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। अपनी नई प्रयोगशाला शुरू करने के लिए एडिसन को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने यात्रियों को टिकट और सब्जियां बेचना शुरू किया। सन 1859 में न्यू रेलवे ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई। उसी रेल में एडिसन समाचार पत्र, मिठाई, खाने की चीजें और सब्जियां बेचते थे। वो रेल सुबह छूटकर शाम को लौट आती थी। रेल अफसर की अनुज्ञा से एडिसन ने रेल के एक डिब्बे में अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। 15 साल की उम्र में उन्होंने उसी डिब्बे में छपाई शुरू की। उस दैनिक का लेखन, छपाई और विक्री एडिसन खुद ही करते थे। कठोर मेहनत और कई प्रयोगों के बाद 32 की उम्र में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। 21 अक्टूबर 1879 पहला बल्ब पूरे दिन भर जलता रहा। दूसरा बल्ब 40 घंटों तक जला। पेड़ पर, घर में और कार्यशाला में तारों से टंगे हुए बल्ब जलने लगे और वो जगह रोशनी से चमक उठी। जगह जगह से लोग देखने के लिए आते थे और आश्चर्यचकित हो जाते थे। एडिसन ने कई तरह की किताबों की पढ़ाई की। अपने प्रयोगों से संबंधित हर जानकारी वे लिख कर रखते थे। अपनी आयु के 30 साल से लेकर एडिसन ने करीब 3000 नोटपैड भर दिए थे। बल्ब के अलावा एडिसन ने कई अन्य आविष्कार किए और उसका पेटेंट भी लिया। एडिसन ऐसे पहले संशोधक हैं जिनके नाम पर 1093 पेटेंट रजिस्टर हैं। एडिसन के एक आविष्कार से पहला ब्लैक मारिया नामक चलचित्र प्रसारित हुआ। बैटरी एडिसन के अनेक आविष्कारों में से एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। 18 अक्टूबर 1931 महान संशोधक थॉमस अल्वा एडिसन का अंत हुआ। जीवन भर सकारात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने कठोर मेहनत की। कोई काम करना चाहिए या नहीं, ये सवाल उन्हें कभी पड़ता ही नहीं था। वो सिर्फ सोचते थे उसे कैसे किया जाए। रघु, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम जानते हो एडिसन हमेशा क्या कहा करते थे? प्रतिभा 1% होती है और 99% पसीना। इस महान संशोधक की मृत्यु सूचित करने के लिए उनके सम्मान में सारे अमेरिका की बत्तियां 2 मिनट के लिए बुझा दी गई थीं।